चलिए सर, सभी लोग जो अभी इंटरप्ट हो गया था थोड़ा सा सिस्टम, अब एक बार फिर से क्वेश्चन को जहाँ पे छोड़े थे वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सर, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। बिल्कुल सर, चलिए। तो देखिए ये क्वेश्चन चल रहा था हमारा, ये वाला क्वेश्चन कि यदि वन प्लस ए बी सी, वन ए बी, वन प्लस बी सी और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी अगर दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एन। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए क्या करिए, आप एन की वैल्यू 3 है तो इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू 1 सपोज कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 टू 4 माइनस 1 यानी हो गया ये, और इसके बाद ये होगा माइनस 1, और यहाँ पर माइनस 1 के बाद में ये माइनस 1 किसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे तो 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1, 1 माइनस 1 और प्लस का 1, 1 1 जा 1 माइनस का 2। चलिए सॉल्व करते तो 2 3 जा 6 और दो में से एक गए एक, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एक और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एक। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है अपने पास में, जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है भाई साहब, 4 आ रही है, और अपने पास n क्या है 3, और सारे ऑप्शन किसके टर्म में हैं, n के टर्म्स में है। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1, इस तरीके से जो हमारा आंसर सपोर्ट कर रहा है वो कौन सा हुआ, n प्लस 1। काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार एडमिट कर दूँ। यस, तो देखिए आंसर होगा कितना, n प्लस 1, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है सर, ओके सर। हाँ, तो इस तरीके से डिटरमिनेंट के क्वेश्चन, श्रेणी के क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन, खास तौर से इनमें ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं शॉर्ट ट्रिक से होते हैं, और इनमें क्वेश्चन को नज़र डालते ही पहले शॉर्ट ट्रिक की तरफ दिमाग लड़ाइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि हमारे पास देखिए एक क्वेश्चन है, ए डिटरमिनेंट ए इक्वल टू ए डी एल, बी ई एम और सी एफ एम, सी एफ एन है ये, सी एफ एन, और डिटरमिनेंट तथा बी इक्वल टू, बी इक्वल टू है एल एम एन, ओके ए बी सी और क्या डी ई एफ, ये दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि a माइनस बी का मान क्या होगा, a माइनस बी का मान क्या होगा। मित्रों देखिए यहाँ पर जो टर्म हैं दोनों के दोनों सेम है, पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर जो अपने पास a b c d e f l m n जो दिए गए हैं वो दोनों के सोनों डिटर्मिनेंट में सेम है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसमें वैल्यू रख करके पहले इनको दोनों को a और b को निकाल लें या इसको पूरा ओपन कर लें, मगर पूरा ओपन मत करिए, बहुत समय लग जाएगा। हमारा उद्देश्य यहाँ पर समय ख़राब करना नहीं है, हमारा उद्देश्य यहाँ पर है कि इसकी हम वैल्यू निकालें। चलिए किसी का उत्तर आया है, देखें भाई साहब उत्तर लिखा है यहाँ पर सर ने, किशोर IITN पॉइंट ने लिखा है आंसर 0। नमस्कार सर, 0 आएगा। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले ए यहाँ पे है, तो ए जो दिया है तो वो ठीक है, बी हमारे पास है, यदि हम बी का ट्रांसपोज कर लेते हैं तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट बी और B, क्योंकि यहाँ पे खुद डिटरमिनेंट की भाषा में है, तो B और B का ट्रांसपोज जो दोनों होते हैं इक्वल होते हैं, कैसे, डेल इक्वल टू डेल डैश। तो भैया यहाँ पे जो डेल का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, L M N बन गया, यहाँ क्या बन गया A B C और यहाँ बन गया D E F, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये A B C यहाँ आएगा तो ये जो b है हमारे पास, क्योंकि b और b ट्रांसपोज की वैल्यू बराबर होगी डिटरमिनेंट की भाषा में, और ख़ुद यहाँ पे b को डिटरमिनेंट डिक्लेयर कर रखा है, तो जब ये चीज़ इधर आएगी तो एक माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, माइनस साइन आ गया, तो a b c और यहाँ पर कितना हो गया l m n और यहाँ पे है d e f, सॉरी d e f। और एक बार फिर से मैं यदि प्रॉपर्टी लगाऊं इसको और इसको इंटरचेंज करने की, तो माइनस माइनस दोनों गायब हो गए, तो ये हो गया ए बी सी और ये आ जाएगा डी ई एफ और एल एम एन, मतलब कुल मिलाकर के जो बी का डिटरमिनेंट है वो ए के इक्वल आ चुका है।
अब जब दोनों डिटर्मिनेंट को आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, a माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो बहुत क्विकली जवाब दिया था सर आपने, किशोर सर ने। किशोर सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी सर, ये कठोर आईआईटीएन पॉइंट है सर। हाँ सर, किशोर सर, किशोर आईआईटीएन पॉइंट वाले सर जो हैं सर, किशोर नहीं है, किठोर, के आई टी एच ओ आर ई। अच्छा किठोर सर। सर कोई और शॉर्ट ट्रिक इसके इससे और जल्दी करने का है कि? हाँ सर, सर यही है इसका स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। स्क्रीन सर मेरी तरफ से शो हो रही है, बाकी लोगों को आप एक बार फिर से लेफ्ट होकर जुड़ जाइए, है ना? ओके सर, मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है कई लोगों। आप हाँ बताइए सर, क्या बोल रहे हैं कुछ आप, प्लीज बोलिए सर। वो जो था ना किठोर आईआईटी पॉइंट, के आई टी एस ओ आर, ये मेरा होम टाउन का नाम है सर। ओके नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर। तो आप बताइए इसमें यदि कोई ये मेथड से छोटा कोई मेथड तो नहीं है आपके पास सर? सर फिलहाल तो यही है सर। चलिए सर, बस इसको तो डिटरमिनेंट मतलब ट्रांसपोज था ना, वही सही मैंने सीधा यूज कर दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास कोई छोटा मेथड हो तो आप लोग जरूर ग्रुप में शेयर कीजिए, ऐसा नहीं है कि हमसे अच्छा मेथड आपको नहीं। मैं बिल्कुल आपके साथ हमेशा तैयार हूँ सर। बिल्कुल सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन के लिए आप ट्रिक याद रखिए, अगले क्वेश्चन में आपके लिए एक ट्रिक लेके बता रहा हूँ कि उस तरीके का रिजल्ट हमेशा काम में आता है। एक क्वेश्चन नहीं कहूँगा, इसको एक रिजल्ट कह लीजिए। ये रिजल्ट है मित्रों, ये रिजल्ट है। अगर आपके पास लिखा है वन, ए है यहाँ पे, ए स्क्वायर है, और यहाँ पे है वन, यहाँ पे है बी, और यहाँ पे है बी स्क्वायर, और यहाँ पे है वन, और यहाँ पे है सी, और यहाँ पे कितना है, सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे भी वन है भाई, वन ए ए स्क्वायर, बोल तो वन राउंड लिख ए दिया, वन ए ए स्क्वायर, वन बी बी स्क्वायर, वन सी सी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आता है ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। वहाँ ज़्यादा वक्त लग जाता है इसलिए इसको डायरेक्टली आप याद कर लीजिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। और कल मैंने आपको बताया था कि एल एम एन, एम एन एल, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे एन एल एम, इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर माइनस ऑफ एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस थ्री एल एम एन आती है। तो कल मैंने ये बताया था, आज मैंने आपको ये वाली ट्रिक बता दी है, मतलब एक रिजल्ट है, ट्रिक तो नहीं कहेंगे इसको, ये रिजल्ट आप याद कर लीजिए प्लीज़। ओके, इससे कुछ क्वेश्चंस आपके इजी हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, चले आएंगे। यस बोलिए सर, चले आएंगे। जी सर। ओके जी सर, अगला क्वेश्चन लिखिए मित्रों। अगला क्वेश्चन बहुत लाजवाब यूपी पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, इफ इन अ ट्रायंगल एबीसी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, इन अ ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल एबीसी है जिसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है दीज आर इन एपी। ओके, ये भुजाएं होती हैं, इनका स्क्वायर एपी, एपी में है ये, और कह रहा देन देन सेक टू ए सेक टू बी और सेक टू सी किस सीरीज में होंगे। ऑप्शन है ए जीपी में होंगे, बी एचपी में, सी नन ऑफ दीज है मतलब डी नन होगा, और फोर्थ ले लो भैया एपी। ओके, तो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, कंडीशन आपके सामने क्वेश्चन की दी गई है, और आपको बताना है कि इस सिचुएशन में जो आपके पास ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे हैं एपी में हैं तो सेक टू ए सेक टू बी सेक टू सी कैसे होंगे। तो देखिए मोटिव क्या है, सेक के पास पहुंचना है, और अगर सेक के पास पहुंचना है तो हमें कॉस के पास पहुंचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कॉस ए कॉस बी कॉस सी निकाल लेते हैं। ओके, क्या दिया गया है, दिया गया है गिवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में है, एपी में है। और मैंने आपको बताया कि एपी के क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करी तो ए स्क्वायर को वन सपोज कर लीजिए, बी स्क्वायर को टू सपोज कर लीजिए, सी स्क्वायर को थ्री। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये अपने पास हो गया है। अब अपन निकालते हैं कॉस ए, तो आप लोग जानते हैं ना कॉस ए का फॉर्मूला, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कितना हो गया टू बी सी। चलिए तो मन में जल्दी सॉल्व करिए, बताइए कितना होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू बी सी कितना हो जाएगा बताइए। बी स्क्वायर है दो,
सी स्क्वायर है 3 और माइनस के स्क्वायर यानी 1 अपॉन 2, बी का मतलब अंडर रूट 2 और सी का मतलब अंडर रूट 3। तो 2 और 3 एक होगा कितना 5, 5 में से एक गए 4, 4 बटे 2 रूट 6, 2 से कट गया 2, आंसर कितना आया 2/√6। ये आ गया अपने पास क्या कॉस ए। चलिए कॉस बी निकालिए, कॉस बी कितना होता है, कॉस बी होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। बताइए मित्रों कितना होगा कॉस बी, तीन और एक 4, 4 में से दो गए 2 और 2/√3, इसका मतलब 1/√3, ये हो गया। और कॉस सी का मतलब बोलिए मित्रों, कॉस सी का मतलब, कॉस सी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये हो गया ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 और एक 3, 3 माइनस 3 तो ये हो चुका है 0। तो हमारे पास कॉस ए कॉस बी कॉस सी तीनों आ चुके हैं। अब हमें निकालना है कॉस 2a। तो सबको पता है कॉस 2 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1, कॉस 2b इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर बी माइनस का 1 और कॉस 2c इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर सी माइनस का 1। तो भैया अपने पास 2 तो ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए हमारे पास आया है 2/√6। ये देखिए तो कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 4/6 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो गया 8/6। काटाकुटी कर दीजिए, मतलब आ गया कितना, 2 से काट दो है ना, 2 से कट गया कितने बार, एक मिनट, कॉस ए 2 प्लस स्क्वायर ए माइनस 1 भी तो करना है भाई साहब, माइनस 1, 8/6 माइनस का 1 तो कितना हो गया 2/6, तो कितना आ गया 1/3। 2 कॉस 2 बी बराबर 2 कॉस स्क्वायर बी माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर बी कितना निकला, कॉस बी निकला अपने पास 1/√3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/3 माइनस 1, तो 2/3 माइनस का 1 मतलब हो गया कितना, -1/3, ठीक है। एंड लास्ट में 2 कॉस स्क्वायर सी, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर सी तो 0 निकला है और माइनस 1 बोले तो माइनस 1। अब ये पूछ रहा है ये तीन सीरीज किस में है, तो अभी अच्छा सॉरी ये तो कॉस 2a है, हमको चाहिए सेक 2a। तो आप जानते हैं कि सेक 2a कॉस का उल्टा होता है, तो सेक 2a हो गया 3, सेक 2b इक्वल टू कितना माइनस का 3 और सेक 2c इक्वल टू कितना 0। ओके सेक 2c इक्वल टू 0, ना सॉरी बच्चों माइनस 1। ये तीनों चीज़ हमारे पास आ चुकी हैं, सेक 2a सेक 2b सेक 2c। अब देखिए AP में प्रॉपर्टी होता तो ये जो इसका मिड टर्म होता, बट मिड टर्म तो दिख नहीं रहा क्योंकि इसको और इसको जोड़ोगे तो 2 आएगा है ना, GP होता तो बीच वाला स्क्वायर होता। अब HP की प्रॉपर्टी क्या होती है, HP की प्रॉपर्टी होती है अगर ABC HP में हो तो प्रॉपर्टी होती है HP की कि B बराबर 2AC अपॉन ए प्लस सी, नोट कर लीजिए ये होती है HP की प्रॉपर्टी। तो फिलहाल यहाँ पे B कितना है माइनस 3 बराबर 2 इंटू ए, ए कितना है 3 और C कितना है माइनस 1 अपॉन ए प्लस सी, ए प्लस सी 3 में 1 जोड़ गए तो कितना हो गया माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, ओके ए इंटू सी, ठीक है ना, 2AC अपॉन ए प्लस सी है भाई, तो A है 3 और माइनस का 1 तो यहाँ पे आएगा प्लस 2 आएगा, सही है ओके। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 वंजा हो गया माइनस 3, तो बिल्कुल सही माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3, मतलब गिवन सीक्वेंस जो है सेक 2A सेक 2B सेक 2C का ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं आया जी सर। हाँ सर, हाँ जी सर बताइए सर, इसका कोई और कोई शॉर्ट टेक नहीं है सर, इसको अगर आप रेगुलर मेथड से जाएंगे तो ये पागल कर देगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, मतलब एपी ऊपर से ट्रिग्नोमेट्री आप हिसाब लगा लीजिए सर, बहुत ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम अगर एपी में ट्रिग्नोमेट्री दे दी तो मैक्सिमम बच्चे छोड़ के आते हैं, क्योंकि उसमें ये समझ में नहीं आता एलिमिनेट किसको करना है, गायब किसको करना है, कहाँ पर कौन गायब करना है, ये पता नहीं पड़ता है। तो मेरा यकीन ये है कि जितने भी क्वेश्चन आए आपके ट्रिग्नोमेट्री के, इनको सबको आप शॉर्ट ट्रिक से करो है ना, एपी वाले, तभी ये बन पाते हैं, अदरवाइज टाइम खराब हो जाता है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन लिमिट का बहुत ही फेमस क्वेश्चन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस साइन a अपॉन n की पावर n। चलिए 1 प्लस साइन a अपॉन n की पावर n, तो कैसे करेंगे देखिए,
अगर सबसे पहले लिमिट पुट करके देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि डेफिनेट आ जाए और अपन फालतू फंसे रहें, तो लिमिट पुट करके देखेंगे तो देखिए क्या बनेगी। 1 + sin 1/∞, मतलब साइन 0 यानी कि 0 और 0/∞, 1 + 0 की पावर इन्फिनिटी, मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन रहा है। तो यदि 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बनता है तो जो हमारे पास सवाल आता है वो ई की पावर में जाया करता है। तो इसमें कौन सी ट्रिक लगती है? इसमें लगती है मंकी ट्रिक, मंकी ट्रिक। मित्रों ये पता है आप लोग को मंकी ट्रिक क्या होती है, बंदर ट्रिक कि नहीं पता? आप लोग माइक ऑन करके बिल्कुल नहीं बोलते हो, 5 लोग जुड़े हुए यार, कोई सर हो गया। हाँ तो 5 में एक ही एक ही जवाब दे रहे हैं। हाँ हो गया, आंसर बोलिए सर। ए की पावर है, बहुत सही, बिल्कुल सही। तो इसकी बिल्कुल सही। तो मंकी ट्रिक क्या होती है देखिए, आप लोग जानते होंगे ई की पावर में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जो था, ओके ये जो था डाल को काट दो, डाल को काट दोगे तो 1 + sin a/n-1, ठीक है ना, fx-1, और जो ये होता मंकी होता है नीचे गिर जाएगा। तो मल्टीप्लाई बाई क्या कर दो भाई साहब, इसमें मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिया अपन ने, एन कर दिया। यस ये मंकी ट्रिक हुआ करती है कि इसको आप कैंसिल कर दीजिए और साथ में बाकी वाली चीज़ को नीचे लिख दीजिए। 1 से 1 हो गया कैंसिल, तो बन गया लिमिट, लिमिट ई की पावर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी साइन ए बाई एन इन टू एन। अब ध्यान से देखिए ये जो एन है ये नीचे जाएगा, अगर इस एन को मैं नीचे ले जाऊँ तो ये क्या बनेगा 1/n। तो मुझे इस लिमिट को जीरो करने के लिए, क्योंकि एन टेंस टू इन्फिनिटी है तो यहाँ पे यदि मैं एन की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करूँ तो साइन 0/0 की फॉर्मेट तो बन रही, मगर एंगल मेरा सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे मुझे क्या होना चाहिए ए। तो यदि मैंने ए का नीचे डिवाइड किया तो मुझे ए का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब ये स्टैंडर्डाइज रिजल्ट हो जाएगा कितना, 1 लिमिट के साथ में, तो क्या हो गया ई की पावर, बच क्या गया ए, सो आंसर आएगा ई की पावर ए। बोलिए क्लियर है? इसमें थोड़ा ट्रिक सर, मैं इसमें थोड़ा ट्रिक बता दूं? बताइए सर, बिल्कुल बताइए सर। सर जैसे अभी हम थीटा को चेंज कर रहे हैं ना इसको सेम बनाने के लिए, हाँ, तो मैं क्या सोचता हूँ साइन ए बाई एन है, हाँ, मैं डायरेक्ट इसको बोल दूंगा ए बाई एन, हाँ, और इन टू एन है, एन कट जाएगा सीधा ए आ जाएगा सर। तो फिर साइन का क्या होगा? सर मैंने कहा साइन थीटा होता है ना, हाँ, साइन थीटा बाई थीटा एस थीटा गोस टू 0 1 आता है, हाँ, तो अगर थीटा चेंज हो रहा है हमारा तो मैं सीधा साइन का जो एंगल होता है मैं सीधा उसी पे काम करूंगा, तो उससे क्या होगा मेरा 10-20 सेकंड सेव हो जाएगा, मतलब जो मैं सोचकर चलता हूँ। नहीं अब देखिए आपको यहाँ तक तो पहुँचना पड़ेगा कि नहीं पहुँचना पड़ेगा, ये बताइए, जहाँ तक मैंने राइट मारा सर, ये सर ऊपर वाले पे जो यहाँ से आपने 1 अच्छा, कट किया है ना, हाँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जो हमारा न्यूमरेटर है, हाँ, इसी को आप बस थीटा पे काम कर लो, ए बाई एन बोलो डायरेक्ट, अच्छा, तो एन कट जाएगा ए आ जाएगा। अच्छा साइन ए बाई एन जो है इससे आपने एन से एन को काट दिया है ना, हाँ, तो यानी कि मैंने कहा साइन ए बाई एन गोस टू सीधा ए बाई एन, अच्छा साइन ए बाई एन गोज टू सीधा सीधा a by n, अच्छा जी, तो n टू n कट जाएगा सीधा a, मतलब मैं सोचता हूँ 10 सेकंड किसी बच्चे की सेव हो जाए। अच्छा साइन a by n को सीधे सीधे आप a by n assume कर लेते हैं ना, जी टाइम बचाने के लिए। अच्छा ठीक है सर, वैसे कर सकते हैं, फिजिक्स का कंसेप्ट भी कहता है कि जी, अगर जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, फिजिक्स का कंसेप्ट कहता है कि अगर लिमिट थीटा टेंस टू 0 होता है जीरो तो साइन थीटा इज नियर अबाउट टू थीटा, यस 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 जी सर, तो बिल्कुल क्योंकि आप ऐसे फिजिक्स बहुत अच्छे बन जाएगा, बिल्कुल सही है। तो चलिए देखिए मित्रों यहां पर इनका कहना है कि यदि जैसे ई की पावर में लिमिट एक्स टेंस टू 0 है और यहां पर यदि साइन एक्स इनटू समथिंग ए लिखा हुआ है मान लीजिए कोई, ठीक है ना, तो इनका कहना है कि डायरेक्टली इस साइन को एलिमिनेट करके इसको एक्स लिख दो, तो ये बन जाएगा ई की पावर एक्स इंटू ए। क्यों सर यही कहा ना आपने? जी सर बस मैं ये है कि सर देखिए ताकि किसी बच्चे का टाइम बच गया और उसका फायदा हो जाए। सही बात है, जैसे यहाँ पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी था तो एन की वैल्यू इन्फिनिटी लेने पर वो जो साइन का ए अपॉन एन है वो 0 बन रहा था ए अपॉन एन, तो उसको इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया ए अपॉन एन और n का मल्टीप्लाई पहले से, तो n से n कैंसिल हो गया, ले दे के बच गया e अपॉन a। हाँ सर बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक है सर, बिल्कुल यकीनन समय बचेगा इसमें। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन UPTGT का बहुत सरल सवाल आया अगले क्वेश्चन में, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है n का न्यूनतम मान जिसके लिए,
फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर दैट 1 + 3 + 3² प्लस अप टू 3 to the power n-1 इज ग्रेटर देन 700। यस, कह रहा सीरीज़ में n के कितने पद लेने चाहिए कि ये जो सीरीज है ये 700 से ज़्यादा आ जाए। देखिए कितना इजी सवाल आया एग्ज़ाम में, कैसे करेंगे इसको भाई साहब? क्या दिख रही है? जीपी दिख रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी दिख रही है। तो भैया अपने पास फॉर्मूला लगा दीजिए, जीपी के n पदों का योग a, ओके a, देखो पावर कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, और ये कहाँ तक गया है, एन माइनस 1 तक, एन माइनस 1, तो ये 1 से स्टार्ट है, मतलब इसमें n पद हो जाएंगे, तो a r टू दी पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 बोले तो 2, ओके, ग्रेटर देन 700, तो 3 की पावर n माइनस 1 ग्रेटर देन 1400, तो 3 की पावर n ग्रेटर देन कितना, 1401। अब भाई साहब अपन जानते हैं कि 3 की पावर 6 तक तो याद होती दुनिया को, 729 है ना, और 3 की पावर 7 यानी 729 गुणे 3 करना पड़ेगा, तो 3 × 7 = 21 आ रहा, मतलब ये पक्का ज़्यादा होगा, तो n इक्वल टू कितना, 7, n का न्यूनतम मान कितना होगा, 7 होगा, ठीक है ना, तो यहाँ से n का न्यूनतम मान 7 आ गया। चलिए डन मित्रों, आगे चलें, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ sin x माइनस cos x अपॉन x की पावर 4। चलिए मित्रों उसको सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ sin x माइनस cos x अपॉन x की पावर 4। पहली नज़र में देखिए x की वैल्यू 0 डालिए तो cos 0 यानी कि 1 हो जाएगा, 1 - 1 यानी एल हॉस्पिटल लगाने का मन कर रहा है, मगर नीचे एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो ये क्वेश्चन जो है ऊपर की तरफ बहुत बड़ा होता जाएगा, तो एल हॉस्पिटल से मत जाइए, क्योंकि अभी इसको अगर एल हॉस्पिटल लगाओगे तो 3-4 बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बैठा हुआ है अपने पास में x की पावर 4 पहले 4x की पावर क्यूब बनेगा, तो इसको ऐसे नहीं करते अपन, सीधे फार्मूला लगाते हैं cos c माइनस cos d का। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos c माइनस cos d, ओके, तो cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है 2 sin, ओके, 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2। cos में याद रखिएगा, cos c माइनस cos d एक ऐसा फार्मूला है जिसमें 2 बार sin आता है, ये भूलता बहुत ज़्यादा है, तो 2 sin c प्लस d, 2 sin c प्लस d बाई 2, तो c की जगह कौन है भाई साहब, sin x, और इसकी जगह भी कौन है, x बाई 2, और sin ऑफ d माइनस c बाई 2, तो x माइनस साइन एक्स बाई 2, और अपॉन में क्या भाई साहब, x की पावर 4 है, चलिए अपॉन में x की पावर 4 रख दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो ये साइन का एंगल है तो मुझे ये एंगल नीचे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन 2 का नीचे डिवाइड कर दिया, और मुझे इधर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ओके सर, सेम लगा दो थीटा वाला फॉर्मेट प्लीज़ सर, टाइम बच जाएगा बच्चों का। सर थीटा वाला फॉर्मेट यहाँ पे आप लगा देंगे, वैलिड है सर, वैलिड है, ये आएगा 2 times x plus sin by 2 into x minus sin by 2 upon x raised to 4, 2 times लग जाएगा a square minus b square फॉर्मूला। सर तो पहले इसको कन्वर्ट तो कर लूँ नीचे वाले को ना, वो तो लिखना पड़ेगा ना, वो सेम ही आ जाता है सर, वो कट जाएगा ना बाद में प्रॉपर्टी से। नहीं आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इसके इसी स्टेप में लग जाएगा क्या वो फॉर्मूला आप कर? जी सर, बस आप सीधा थीटा बोल दो, आप जो साइन का ब्रैकेट है साइन प्लस एक्स बाय टू, हम इसी को थीटा बोल देंगे ना सर। हाँ वो ठीक है, देखिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल करेक्ट है, आप बिल्कुल 100% राइट है। हाँ। बस मैं क्या चाहता हूँ, हमारा टाइम बच जाए 20 सेकेंड का, 40 सेकेंड का, ताकि हमारे सिलेक्शन कन्फर्म हो जाए, हमारा मतलब सभी बच्चों का। चलिए चलिए मैं समझ गया, अब चलिए आप, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बट पहली बार ये मेथड आ रही तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना सर सीखने में। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप, सर आप बहुत वर्ष हो चुके हैं बट हमारे लिए नया है, इसलिए थोड़ा सा वेट कीजिए। अब आराम आराम से बताइए, जैसे ये साइन के एंगल अंदर है और ये जो है ये पूरा का पूरा जो जा रहा है जीरो की तरफ, तो इस साइन को एलिमिनेट कर दें, है ना सर? जी ये वाला साइन एलिमिनेट हो जाएगा, बिल्कुल सही, तो ये साइन एलिमिनेट हो गया, मतलब साइन एक्स प्लस एक्स बाई टू बच गया, साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स बाई टू, ये ठीक है सर, और दूसरा वाला बच गया मल्टीप्लाई में एक्स माइनस साइन एक्स बाई टू, ठीक है सर, और अपॉन में एक्स की पावर फोर तो रहेगा बिल्कुल सर, ठीक है ना, और बाहर टू है, और बाहर टू है बिल्कुल सही, तो एक टू से एक टू वाले काट सकते हैं, काट दें सर कि ना काटें,
चलिए सर नहीं, वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, चलिए कर सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए। अब देखिए सर, ऊपर वाला यदि एक मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ इससे, है ना, तो साइन एक्स माइनस एक्स बच जाएगा, मतलब ये होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना सर? बिल्कुल कर, ठीक है। एक काम करते हैं सर, इसको काट देते हैं, तो ये और माइनस साइन कॉमन लेने के बाद, तो माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो अभी बाकी है, और ये बच गया अपने पास में कितना सर, साइन एक्स माइनस एक्स, साइन एक्स प्लस एक्स, मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स की पावर फोर, ठीक है सर? वेरी गुड, करेक्ट सर। चलिए अब इसके बाद देखिए, अभी टू एक्स की पावर फोर को इसमें माइनस वन बाई टू लेके मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स की पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। आप तो फंस गए सर, अब क्या कर सकते हैं बताइए? नहीं कुछ नहीं, बस आप क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इसमें, साइन का लगाएंगे एक्सपेंशन। अब साइन का एक्सपेंशन लगाएंगे और उसका आंसर हो जाएगा। ओहो, साइन का एक्सपेंशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्या? यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाने में भी नुकसान हो रहा है सर, बहुत लेंथी हो जाएगा एल हॉस्पिटल तो। नहीं, एक्सपेंशन भी कम लेंदी थोड़ा ना सर, ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी जा रहा है। कोई और फॉर्मेट है नहीं इस फंक्शन के लिए, क्या सर, करें? नहीं सर, यदि इसको मैं उससे करूं तो ये काफ़ी जल्दी हो रहा है। अब एक बार तो मेरा एक बार कीजिए सर, हाँ करिए, आप करिए, अपने मेथड से करिए। सॉरी सर, साइन एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। तो भैया x की पावर 4 है ना, ये नीचे में x की पावर 4 बैठा हुआ है, तो हाँ हाँ वो एक्स की पावर फोर बैठा हुआ है, इसीलिए तो उसमें प्रॉब्लम है। चलिए सर, देखते हैं इसको, अभी जहाँ तक कर लिया था ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक चीज में ये कर सकते हैं ना, जो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स पावर फोर था, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। और बट सर, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, मगर वो एक्स की पावर 2 तो रिमाइंडर में बचा रहेगा ना सर नीचे। हाँ, पावर फोर है इसलिए उसको हटा नहीं सकते ना अपन, वो अपन को परेशान करता रहेगा। क्या सर इसका आंसर जीरो आ रहा है क्या सर? सर जीरो आएगा? नहीं सर, इसका आंसर आ रहा है आई थिंक 1/6। चलिए सर करके देखते हैं एक बार, किसका आंसर क्या जीरो आना चाहिए। 1/6 आंसर 1/6 आ रहा है। चलिए चलिए कर रहे हैं सर, दो मिनट का वेट कीजिए सर, देखिए 1/6 ही आएगा, लेकिन दिक्कत है थोड़ा सा इसके मेथड लंबा है। हाँ चलिए कर रहे हैं सर, पीजीटी का क्वेश्चन है, लंबा होता है थोड़ा सा। तो ये सर जो है, यहाँ पे x की पावर 4 अपना बना हुआ था, अब ये अपना x की पावर 4 बना हुआ था। अब देखिए सर, अगले स्टेप में ये हमारे पास साइन एक्स प्लस एक्स बाई टू है, तो नीचे भी हमें चाहिए पड़ेगा साइन एक्स प्लस एक्स बाई टू, और यहाँ पे चाहिए पड़ेगा x माइनस साइन एक्स बाई टू, और ऊपर हमको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी x प्लस साइन एक्स बाई टू मल्टीप्लाई बाई x माइनस साइन एक्स बाई टू। चलिए ये ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा एडजस्टमेंट बस कर लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लगाते हैं समय। तो 2 अपॉन x का पावर 4 है, 2 अपॉन x का पावर 4 है, और ये 2 और ये 2 जब 4 हो जाएगा, तो 2 अपॉन 4 x का पावर 4, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 अपॉन 4 x की पावर 4। थोड़ा संयम रखिए, देखिए ये जो टर्म है इसके साथ में, इसके साथ में केवल ये जब जाएगा कितना हो गया 1, और ये इसके साथ में जाएगा तो कितना हो गया 1। ऊपर केवल हमारे पास क्या बचा है, साइन एक्स प्लस एक्स बाई टू और x माइनस साइन एक्स बाई टू। अब यदि इसको खोल दिया जाए x प्लस साइन एक्स बाई टू को, तो 2 तो नीचे आ चुका है, केवल x प्लस साइन एक्स बचा है, तो x और साइन एक्स की एक्सपेंशन सबको याद होनी चाहिए, है ना। साइन एक्स की एक्सपेंशन कितनी हुआ करती है, x साइन एक्स की एक्सपेंशन होती है x प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री, माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री, सॉरी माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फैक्टोरियल 5। इस तरीके से ये एक्सपेंशन चला करती है, तो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म डेवलप हो गया, ठीक है ना। और अब देखिए दूसरा जो है, ये वाला टर्म है और नीचे बैठा हुआ है x की पावर 4, उसका ध्यान मत रख, उसका ध्यान, अच्छा वो तो मैंने बाहर बैठा लिया, नो प्रॉब्लम। और अब देखिए x माइनस साइन x, तो ये मैंने कर दिया x और माइनस, तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस का x हो गया
और प्लस हो गया एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और माइनस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। चलिए और ये एक्सपेंशन जाने दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं अपना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, और यहाँ से x और x क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ से देखिए x की पावर 3 मिनिमम पावर पूरे टर्म से कॉमन आएगी, और यहाँ पर x जो है हर टर्म से कॉमन आएगा, ठीक है। तो 2 अपॉन 4 x की पावर 4 मतलब 1 अपॉन 2 x की पावर 4। अगर मैं पहले टर्म से x कॉमन निकाल लूँ, देखिए किससे कॉमन निकाला मैंने x, इससे 2x वाले से, तो 2x का अंदर 2 बचा, ये पहले से बच गया 2, और फिर एक्स स्क्वायर का x कॉमन आया है तो एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3, और आगे x की हाईएस्ट पावर बचेंगी, और यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब कॉमन ले लिया है यदि मैंने, तो यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन लिया तो 1 बाई फैक्टोरियल 3 और आगे की पावर बचेंगी, 1 बाई फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स की पावर 3 में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया अपन फैक्टोरियल 5, और उससे कोई लेना देना नहीं क्योंकि वो जीरो हो जाएगा। तो देखिए 3 पावर और 1 पावर यानी 4 पावर से 4 पावर कैंसिल, 1 अपॉन 2 अंदर क्या बच गया भैया, इसमें 2 बच गया इन टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 क्योंकि बाकी के टर्म जीरो हो गए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1, आंसर 1/6 आ गया है। चलिए ठीक है मित्रों, आ गया समझ में? जी सर समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में कोई विचार देना चाहे बता सकता है कोई, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने प्रकार की होती है? असंतत्तता के प्रकार, असंतत्त के प्रकार बताइए कितने प्रकार के होते हैं। चलिए टू टाइप्स का है, टू टाइप्स, एक होती है रिमूवेबल और एक होती है नॉन रिमूवेबल, है ना? जी सर। हाँ बताइए सर, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? सर उसमें ये होता है कि इफ LHL बराबर RHL बट नॉट इक्वल टू द वैल्यू। बिल्कुल सही, अगर LHL और RHL जो होते हैं ये दोनों फाइनाइट होते हैं, क्या होते हैं सर? फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट होते हैं और निश्चित होते हैं, और अगर ये फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के इक्वल नहीं होते हैं तो इस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी को टाइप 1 या फर्स्ट काइंड बोलते हैं। 2021 का क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन आया था लिमिट का, उसमें फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी और सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछा गया था। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी होती है ये फर्स्ट काइंड की होती है, इसमें आप इसको ये अगर रिमूव कर दिए तो दूर हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं रिमूवेबल, इसको बोलते हैं रिमूवेबल यानी कि रिमूव करने योग्य, रिमूवेबल। अब चलिए सेकेंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी हम बताते हैं। अगर सेकेंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी है कि दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, एई गुड़िया मत करो, दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, है ना, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो हैं, परंतु फाइनाइट नहीं है, परंतु क्या है, फाइनाइट नहीं है। तो लिख लीजिए कॉपी में, अगर LHL और RHL में से कोई भी इनफाइनाइट हो, इफ LHL और RHL है ना आर नॉन फाइनाइट, अगर ये फाइनाइट नहीं है, निश्चित नहीं है, तो ये सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाती है, इसको हम बोलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसको हम बोलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। चलिए नोट कर लिया मित्रों, इसको हम सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। जी सर। चलिए अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल काफ़ी सरल है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन UPTGT में पूछा गया है, क्वेश्चन नोट करिए मित्रों। y इक्वल्स टू है, अगर पहला फंक्शन है y1 इक्वल टू टेन इनवर्स, हाँ सर बोलिए सर, शॉर्टकट मेथड है क्या कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करने का? शॉर्टकट मेथड सर वही, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हां नहीं सर वही डायरेक्ट वैल्यू रखे कुछ फंक्शन में हो जाता है, लेकिन कुछ फंक्शन करना ही पड़ता है। हां बट बी श्योर, पहले यहां पे मन में किसी भी क्वेश्चन में a+h और a-h रख करके ट्रेस कर लिया करिए, क्योंकि आपको लगेगा कंटीन्यूअस है मगर a+h और a-h से ही क्लियर होती है। नहीं सर a+h में रखे जैसे वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट वैल्यू ही रख दिया जाए,
फंक्शन में कभी कभी मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन में तो बन जाता है, कुछ क्वेश्चन में करना पड़ता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस एच एच का मतलब तो जीरो का रखना ही नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू रख करके चेक कर दिया जाए। जिसमें मैं ये कह रहा हूँ सर, जिसमें अनएग्जिस्टिंग की स्थिति आती है, डायरेक्ट वैल्यू रखने में अनएग्जिस्टिंग वाली स्थिति में आपका जो है एक तरफ की लिमिट आ जाएगी, दूसरी तरफ की गड़बड़ हो जाएगी। तो मतलब मेरा अनुभव कहता है कि आप सबसे बेस्ट देखिए सर, सरल वाले सवाल तो हो जाएंगे, जैसे आपको बोल दिया गया कि लिमिट x प्लस 3 और 2x प्लस 5 की वैल्यू ज्ञात करो। देखिए उसका कंसेप्ट क्या होता है लिमिट का, समझो सर मैं बताता हूँ एक्चुअली वो है क्या। देखिए सर, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया लिमिट x टेंड्स टू 3 और क्वेश्चन आ गया 2x प्लस 3। अब भैया ये तो बकवास क्वेश्चन है, क्योंकि ये कैसा क्वेश्चन है, ये है लीनियर इक्वेशन, मतलब ये कैसा फंक्शन है, सतत फलन है। कैसा फलन है सर? सतत फलन है। ये आपको कोई दिक्कत नहीं देने वाला है, क्योंकि ये सिंगल फ्लो में जाएगा, ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा। मगर जहाँ पर प्रॉब्लम होती है जहाँ पर फंक्शन जंप करता है सर, जैसे फंक्शन जहाँ पर जंप करता है, तो देखिए इस बिंदु के अक्रॉस लेफ्ट हैंड लिमिट अलग आएगी और राइट हैंड लिमिट अलग आएगी, तो उस बिंदु पर आपको फंक्शन दो अलग अलग चेक करने पड़ते हैं। मगर पॉलिनोमियल आ जाए चिंता की कोई बात नहीं है, या सिंगल टाइप फंक्शन आ जाए चिंता की कोई बात नहीं है, वो डायरेक्टली आप निकाल करके देख सकते हो। बट जहाँ पर मल्टीपल फंक्शन आ जाए एक पॉइंट के अक्रॉस, पॉलिनोमियल फंक्शन किसी पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस होते हैं, उसको बिल्कुल बिल्कुल सर, पॉलिनोमियल हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। वो तो डायरेक्टली रख करके आप उसमें वैल्यू जो निकालना हो निकाल सकते हो। सर इसलिए ये जो कंटिन्यूटी दो टाइप के बताया सर, हाँ इसमें इसका मेन फीचर क्या होता है, दो टाइप से मतलब क्या क्या, ऐसे कोई फंक्शन को लेकर के दो टाइप। देखिए सर सुनिए, देखिए सर बताता हूँ मैं, ग्राफिकल समझिए, आपने जो पूछा है सवाल उसको ग्राफिकल समझिए सर। ये अपने पास कोई कर्व है सर, जी ठीक है सर। देखिए इस बिंदु पर मैंने, इस बिंदु पर सर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है, अभी आपके सामने जो दिख रहा है इस बिंदु पर वैल्यू जो एग्जिस्ट है फंक्शन की नहीं कर रही, नहीं कर रही ना, हवा है ना बीच में, हाँ या ना? जी 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 हाँ। मगर सर देखिए f ऑफ c प्लस h और f ऑफ c माइनस h, f ऑफ c प्लस h और f ऑफ c माइनस h इक्वल, दोनों क्या इक्वल है कि नहीं बताइए सर, आउटपुट दोनों के इक्वल है कि नहीं है? हाँ सर वही तो इक्वल है ना बीच में भाई, दोनों का लेवल सेम है ना सर, y दोनों का सेम आएगा ना। हाँ सर, मतलब यदि सर हम यहाँ पर कोई वैल्यू लाके फिल कर दें इस जगह को, तो ये जो डिसकंटिन्यूटी थी उसको हम रिमूव कर देंगे, हाँ या ना सर? जी तब तक फंक्शन कंटिन्यू होगा। हाँ इसीलिए इसको बोलते हैं रिमूवेबल, इसको बोलते हैं रिमूवेबल। हाँ जब एफ ई के बराबर ना हो या एफ ई का आता पता ना हो तो इसको रिमूवेबल बोलते हैं। अब कभी कभी का क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी लगते हैं इसमें एफ ए की नीड नहीं पड़ती, डायरेक्ट सिस हो जाते हैं। हाँ अब नॉन, अब देखिए, अब देखिए यदि आप बात करें नॉन रिमूवेबल की सर, टेन एक्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर फंक्शन कहाँ जाता, प्लस इन्फिनिटी जाता कि नहीं जाता बताइए? जाता है। और पाई बाई टू के इस तरफ फंक्शन माइनस इन्फिनिटी जाता कि नहीं जाता? जाता। तो पाई बाई टू पर अब आप यहीं कुछ कुछ भी कर लें, इतना बड़ा गैप है इसको आप मिला तो नहीं सकते हैं सर, हाँ या ना? तो यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी आएगी वो क्या आएगी सर? नॉन रिमूवेबल, क्योंकि एक लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी भग रहा है और एक भग रहा है आपका माइनस इन्फिनिटी, ठीक है सर? जी चलिए सर। अच्छा जो जो तीनों वैल्यू आते हैं उसे क्या बोलते हैं सर? सर बता तीनों वैल्यू बता देते हैं, बता दे, वही कंटिन्यूटी होता है सर वो। अगर केवल दाईं सीमा बाईं सीमा एग्जिस्ट हो इसका मतलब सीमा एग्जिस्ट कर रही है, और अगर तीनों वैल्यू ए पर लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू ए पर एग्जिस्ट करे, इसका मतलब फंक्शन दिए गए बिंदु पर सांतत्य है, कंटिन्यूअस है। हाँ ये देखिए ये ए है, तो ए पर दाईं सीमा बाईं सीमा, इसका मतलब जो फलन है वो सांतत्य है, ठीक है सर? जी चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। अगला क्वेश्चन ग्रुप में मैसेज कर दीजिए थोड़े बहुत लोग की भाई जुड़ जाए बाकी लोग भी, ठीक है ना? अभी कुछ लोग आए थे मगर पढ़ाते समय मैं ज्वाइन नहीं करवा पाया उनको। वाई वन इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है, और आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, इसको डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब के, इसको आपको इसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। देखिए वाई वन है और ये वाई टू है, तो सबसे पहले आप इसको सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो इसको सिंपल फॉर्म में डिफरेंशिएट लिख लीजिए। तो y1 वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स x, और ये देखिए माइनस वन है,
तो ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स वन पाई बाई फोर। और वाई टू तो आप लोग सब लोग जानते हैं भैया है, किसका फॉर्मूला होता है, थ्री साइन इनवर्स एक्स का, थ्री साइन इनवर्स एक्स का। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसके चार ऑप्शन थे, पूछा गया था कौन सही होगा, तो कुछ गलत थे कुछ सही थे। तो डी वाई वन बाई डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस जीरो, क्योंकि टेन इनवर्स वन कितना होता है पाई बाई फोर, पाई बाई फोर का डिफरेंशिएशन जीरो। और वाई टू का डिफरेंशिएशन डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू थ्री इन टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई वन अपॉन डी वाई टू आएगा, दोनों का भाग दे दीजिए, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई थ्री, तो थ्री पहुँच जाएगा नीचे, तो इन टू मल्टीप्लाई बाई थ्री, और अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ आ गया ऊपर, तो इसका आंसर नोट करिए, वन अपॉन थ्री अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही इसका आंसर है। ठीक है मित्रों, कोई दिक्कत? कोई पूछ रहा है कि टेन इनवर्स एक्स कैसे करा रहा है, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई किसी का मैसेज आ गया, टेन इनवर्स क्या, टेन इनवर्स एक्स कैसे, कोई मैसेज किया टेन इनवर्स एक्स कैसे लिखें उसको, टेन इनवर्स एक्स। अच्छा जी, चलिए चलिए ठीक है जी, फॉर्मूला बता देता हूँ, लिखिए मित्रों, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी का फॉर्मूला लिख लीजिए, टेन इनवर्स ए माइनस का टेन इनवर्स बी, ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो भैया अपने पास जो था टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स था, तो इसको यदि हम दर्शन करेंगे तो टेन इनवर्स वन माइनस एक्स है और वन प्लस वन इंटू एक्स है, तो ये बन गया ए, ये बन गया बी, तो ये बन गया भैया टेन इनवर्स वन और माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया पाई बाई फोर माइनस का टेन इनवर्स एक्स, ये आ गया आंसर आपका। ठीक है जी, हाँ देख लो जाओ, चलिए डन, आगे चलें मित्रों, चलें आगे, बोल दीजिए। जी 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 सर, जी सर। चलिए भाई, 11 लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल लिखिए मित्रों, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो e की पावर टेन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो e की पावर टेन ऑफ एक्स माइनस e की पावर एक्स अपॉन टेन एक्स माइनस का एक्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना e की पावर वाले, ये कहीं ना कहीं हमें इशारा करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, बहुत ही काम की प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप यहाँ पे क्या बनाना है, हमें टेन एक्स माइनस एक्स बनाना है, तो यदि मैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स ऊपर से कॉमन ले लूँ, तो ई की पावर कितना बन जाएगा टेन एक्स, सर म्यूट कर लीजिए प्लीज़, जैसे ही बच्चे आते हैं, तो ई की पावर टेन एक्स अपॉन ई की पावर टेन एक्स हो जाएगा, तो आधार समान होने पर घाते घट जाएंगी, तो माइनस का एक्स, और ये हो गया माइनस का वन, और ये कितना हो गया टेन एक्स माइनस एक्स। अब ये देखा करिए कि x इक्वल टू जीरो होने पर ये भी कितना हो रहा है भैया, ये भी तो जीरो हो रहा है ना, ये भी कितना हो रहा है जीरो हो रहा है, मतलब पक्का ये फार्मूला लग गया इस पर। तो अपने पास ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी लगा करके वन, ये लिमिट आइडेंटिटी लग गई, तो आंसर कितना बचा e की पावर जीरो, क्योंकि x की वैल्यू जीरो है, और आंसर कितना आएगा वन, नोट करिए। बोलिए क्लियर है मित्रों? जी सर। चलिए तो एक तो तरीका, बहुत बढ़िया ट्रिक बता दिया आप, क्या सर ये बहुत बढ़िया ट्रिक बताया, इसको मैंने तो लॉन्ग से लगाया था। हाँ अच्छा, आपने 10x का एक्सपेंशन कर दिया होगा है ना सर? हाँ उसमें तो बहुत ज़्यादा, यदि एक्सपेंशन कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा चला जाएगा। जोड़ना कराना प्रयास किया था यहाँ पर, जोड़ा घटाया। हाँ चलिए, तो e की पावर कोई भी हो उसको वैसा नीचे बनाने का प्रयास करिए, दो फॉर्मूले लिखिए। आपने साइन वाला क्वेश्चन बताया है उसको मैं समझ नहीं आया, जो a by n करके बताया था अभी कुछ कस्टर ने टॉक शॉर्टकट ट्रिक बता रहे थे। हाँ वो वाला तो क्लियर नहीं हो पाया, चलिए अच्छा बता दीजिएगा लास्ट में। ठीक है, देखिए लिमिट e की पावर x माइनस वन अपॉन x जो होता है इसकी वैल्यू होती है वन, ठीक है ना, और लिमिट x टेंड्स टू जीरो a की पावर x माइनस वन अपॉन x होता है log ऑफ e बेस a। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे a की जगह e आ जाता है, तो यहाँ पर भी एक्चुअली आता है log ऑफ e बेस a, मगर log ऑफ e बेस e की जगह e आ गया, तो e बेस e कितना हो जाता है वन होता है ना सर, है ना, तो ये दो फार्मूले इसके अकॉर्डिंगली होता है। ठीक है सर, एक दो फार्मूले सर और डिस्कस कर दीजिए, जो e के पावर होता है जो fx माइनस 1 करके कुछ करके हो जाते हैं ना,
थोड़ा सा दिमाग से अच्छा मिस हो अच्छा जाए। अच्छा जो देखिए अगर वन की पावर इन्फिनिटी का कंसेप्ट है आपके पास में और आपके पास में एफ एक्स की पावर जी एक्स है, ठीक है ना, एफ एक्स की पावर जी एक्स रूप का कोई फलन है और एफ एक्स वन की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, तो इसमें ट्रिक लगती है मंकी ट्रिक, मंकी ट्रिक, ठीक है ना। मंकी ट्रिक कहती है ये देखो ये डाल है ये बंदर है, इसको एफ एक्स को बोलते हैं डाल और इसको बोलते हैं बंदर, जी एक्स को बोलते हैं बंदर। तो इसकी ट्रिक होती है कि यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ई की पावर में लिमिट एक्स टेंस टू आपका जो रहेगा रहेगा, है ना, एक्स टेंस टू जीरो सपोज रहेगा, ठीक है ना, ई की पावर में। अब आप डाल को काट दीजिए, डाल क्या है एफ एक्स माइनस वन, बोलिए हाँ, तो डाल को काटने पे बंदर कहाँ गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो इनटू नीचे जी एक्स, ये नोट कर लीजिए, ये बन जाता है इसका फलन, ठीक है ना, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स। क्लियर हो गया सर, क्लियर है, चलिए चलिए देखिए सेकेंड मेथड। अगर जैसे आप अभी जो कह रहे थे सर ये वाला क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर टेन एक्स माइनस ई की पावर एक्स अपॉन टेन एक्स माइनस एक्स, इसको एक तो मैंने शॉर्ट मेथड से बता दिया परंतु एक्सपेंशन मेथड से इसको कैसे कर सकते हैं वो भी देख लीजिए एक बार, क्योंकि इस क्वेश्चन में काम नहीं आएगा, दूसरे क्वेश्चन जिसमें नहीं लग पाएगी तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए सर ई की पावर एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री, ये लाजवाब एक्सपेंशन होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वन प्लस एक्स की जगह टेन एक्स खेलेगा सर, टेन एक्स है ना, फिर कितना टेन स्क्वायर एक्स की पावर फैक्टोरियल टू प्लस टेन क्यूब एक्स की पावर फैक्टोरियल थ्री, इस तरीके से। और ये तो डॉट 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 पहली पावर हो गई सर, पहली एक्सपेंशन, और माइनस ई की पावर एक्स तो माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू और डॉट 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 इस तरीके से चलती जाएगी, और नीचे फिर से टेन एक्स की एक्सपेंशन, टेन एक्स माइनस एक्स रहने दीजिए सर, टेन एक्स माइनस एक्स इसको इतना रहने दीजिए। अब देखिए सर काटेंगे तो ये वन से ये वन क्या हो जाएगा सर, कैंसिल, और अगली टर्म क्या आएगी सर, टेन एक्स माइनस एक्स, तो लिमिट जो है एक्स टेंस टू जीरो यहाँ क्या हो गया, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस, देखिए सर वन अपॉन फैक्टोरियल टू कॉमन ले लीजिए और टेन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ये हो गया, और प्लस में वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री और फिर क्या आएगा टेन क्यूब एक्स माइनस एक्स क्यूब, ठीक है ना, इस तरीके से चलता रहेगा, और नीचे कितना है सर टेन एक्स माइनस एक्स। जब आप इसको काटेंगे सर ये तो पूरा पूरा काट देगा, अच्छा ये क्या बनेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक तो कट जाएगा सर और एक बच जाएगा, और जब इसमें जीरो पुट करेंगे तो वो सब के सब क्या हो जाएंगे सर, जीरो हो जाएंगे और बाकी ये वाला टर्म बच जाएगा, तो मतलब कुल मिला के सीरीज कैसी बनेगी, वन प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो होल डिवाइडेड वन, तो आंसर आएगा वन। बताइए मित्रों समझ में आया कि नहीं आया, बहुत तेज़ तो नहीं हो गया, चलिए ठीक है ना, मैं थोड़ा स्पीड जल्दी पकड़ लेता हूँ, कहीं ना समझ में आया करे प्लीज़ बोल दिया करिए, ठीक है मित्रों। तो चलिए टेन एक्स का एक्सपेंशन एक बार और लिख लीजिए, ये तो मैंने ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन बताया है, कई बार टेन एक्स की एक्सपेंशन आती है तो टेन एक्स की एक्सपेंशन लिख लीजिए, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस दो बटे पंद्रह एक्स की पावर फाइव प्लस एंड सो ऑन, ये टेन एक्स की एक्सपेंशन नोट कर लीजिए, हो सकता है कहीं पर काम में आ जाए। चलिए डन, अब लिखिए सम्मिश्र संख्या का लघुगणितीय स्वरूप, सम्मिश्र संख्या का लघुगणितीय स्वरूप अपन पढ़ रहे हैं, कोई अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसका आपको लघुगणकीय रूप में बता रहा हूँ। देखिए तो मित्रों हम जानते हैं कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को हम सबसे बेस्ट फॉर्म है ना आइलर फॉर्म में लिखते हैं, है ना, क्या लिखते हैं, आर ई की पावर आई थीटा। तो कुल मिला के हमको डील करना है जेड के साथ और आर ई की पावर आई थीटा। अगर आप लॉग ले लें जेड का तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ए इन टू बी बराबर लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये हो जाएगा लॉग आर और प्लस, क्योंकि लॉग ए इन टू बी बराबर होता है लॉग ए प्लस लॉग आर प्लस लॉग ई की पावर आई थीटा, तो कितना हो जाएगा लॉग जेड बराबर लॉग ऑफ आर प्लस ई की लॉग आई थीटा बाहर आ जाएगा और ये क्या बच गया अपने पास लॉग ई, लॉग इक्वल टू कितना हो गया वन,
तो ये हो गया लॉग जेड इक्वल टू लॉग ऑफ आर का मतलब हो जाएगा लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आई थीटा। याद रखिएगा थीटा यहाँ पे होता है आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो फार्मूला फाइनली लिखिए लॉग जेड इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट, तो इसको वन बाई टू आप बाहर ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आई और थीटा की जगह आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये है इसका लघु गणितीय रूप, इस पर क्वेश्चन आता है। अब आइए क्वेश्चन करते हैं इसका, चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए लॉग आर प्लस ई की पावर आई थीटा ये भी होता है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन करेंगे इसका क्या है। क्वेश्चन आया है टीजीटी में कि वन प्लस आई का लॉग क्या होगा, कि लॉग ऑफ वन प्लस आई क्या होगा। तो देखिए भैया, तो लॉग ऑफ वन प्लस आई तो अपन जानते हैं, इसको यदि लिखें अपन तो लॉग आर ई की पावर आई थीटा, आर इसमें कितना बन जाएगा भाई साहब, रूट टू। आर मतलब इसका मॉडुलस, इसका परिमाण बन जाएगा रूट टू और e की पावर i साफ साफ दिख रहा है पाई बाई फोर, साफ साफ दिख रहा है पाई बाई फोर। तो ये अपने पास बन गया लॉग रूट टू प्लस लॉग e की पावर i पाई बाई फोर। तो आंसर आ गया लॉग रूट टू प्लस i पाई बाई फोर। नोट कर लीजिए लॉग रूट टू प्लस i पाई बाई फोर, ठीक है जी। लॉग रूट टू प्लस आई पाई बाई फोर, ये हो गया इसका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं पहले बच्चों, मगर अगला क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको बताता हूँ कोणांक। जो भैया कोणांक होता है वो चार क्वाड्रेंट में ऐसा होता है कि कोणांक की जो वैल्यू होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो माइनस थीटा से लेके प्लस थीटा, सॉरी माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच में वेरी करती है, मतलब माइनस 180 से लेके प्लस 180 के बीच में। आर्गुमेंट बोलते हैं ना माइनस, हाँ इसी को आर्गुमेंट, इसी को कोणांक बोलते हैं, आर्गुमेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में। माइनस पाई से बीच में लाई करती है। एक बात अब याद कर लीजिए, यदि कोई धनात्मक संख्या है, अगर कोई धनात्मक संख्या है तो वो कहाँ बैठी होगी, एक्स अक्ष पे धनात्मक संख्या है, तो उसका कोणांक कितना होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर जीरो। अगर कोई इमेजिनरी नंबर है प्लस आई टू आई थ्री आई इस तरीके का, तो इसका कोणांक कितना होगा, शुद्ध में पाई बाई टू। अगर कोई ऋणात्मक नंबर है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो इसके दो कोणांक बनेंगे, एक तो प्लस का पाई इधर से जाओगे और एक तो जाओगे तो माइनस पाई। तो आर्गुमेंट ऑफ निगेटिव रियल नंबर ऐसा लिख लो बराबर प्लस माइनस पाई। बट ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, दो नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा ऑप्शन में, तो आपको एक लगाना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आपके पास कोणांक में है माइनस आई माइनस टू आई, तो आप कैसे जा सकते हो, इधर से जाना पड़ेगा पास वाला एंगल से। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव इमेजिनरी नंबर बराबर कितना आएगा भाई साहब, माइनस का पाई बाई टू। ठीक है, ये चार चीज़ें नोट कर लो, काम में आएंगी। चले आगे, नोट कर लिया, क्वेश्चन करें। चलिए क्वेश्चन लिखिए भैया, बुक में आ रहा है फिर आगे लिखा रहता है थीटा इक्वल टू अल्फा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, सर थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा। वो चीज़ें होती हैं उसके लिए, वो चार क्वाड्रेंट के लिए होती हैं। अभी मैंने केवल अक्ष पे पढ़ाया है, अब वो जब डिटेल में घुसूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर में तो बगैर अक्ष वाली भी बताऊंगा मैं, है ना। अच्छा ठीक है, वो क्या सर क्वाड्रेंट सिस्टम है वो भी अपन देख लेंगे। चलिए सर मेरा एक सवाल था, बोलिए सर। सर जैसे आपने डायनामिक्स और स्टेटिस्टिक कराई थी, एक टॉपिक वाइज लेकर चले थे आप, हाँ, तो बड़ा मजा आया पढ़ने में, हाँ। तो मेरा बस ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, हाँ, कि अगर हम डेली जैसे जैसा आप टाइम दे रहे हैं हमें एक घंटे का हमारी हेल्प के लिए, टॉपिक वाइज ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हमारा भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते रहेंगे, हाँ। तो जो हमारे वीक जोन है टॉपिक वाइज उसमें हम अपना इम्प्रूव करते रहेंगे डेली वाइज, कि सर आज हमें टॉपिक ये पढ़ाया तो हम ज्यादा से अच्छे से कमांड कर लें, ऐसा। तो वो आप कब से कराएंगे टॉपिक वाइज क्लास? आप टॉपिक वाइज चाह रहे हो सर, उससे क्या होता है ना माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, तो फटाफट चीजें ना क्लिक होते चली जाएंगी चीजें। ठीक है सर, मैं एक्चुअली ये मान के चल रहा हूँ सर कि आप लोग सब लोग तैयार हो पहले से, मतलब सबका पढ़ा हुआ है, तो सबका पढ़ा हुआ है, तो मैं क्या एक थोरो रिवीजन टाइप का पूरा पढ़ाता हूँ और इसमें सब कुछ कवर हो जाता है सर। जी बिल्कुल सही, हाँ ठीक है। अब ये सर इनमें वो स्टूडेंट बेशक सर परेशानी फील करते होंगे जिन्होंने पहली बार जिंदगी में शुरुआत करी है इस कंपटीशन की,
है ना सर। हाँ, क्योंकि देखो अभी एक सवाल आ रहा है ना बार बार, सर व्हाट इज द मंकी ट्री, व्हाट इज मंकी ट्री, तो बस मेरा वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बस, और कोई वो लिमिट का सर शॉर्ट ट्रिक है, मंकी ट्री वाली लिमिट की शॉर्ट ट्रिक है, है ना। और सर वो तो आपने एक नाम रख दिया, अब बच्चा को कंफ्यूज हो रहा है, इसलिए ठीक है सर अपन चैप्टर वाइज की क्लास लगाएंगे, कुछ क्लास चैप्टर वाइज की लगाएंगे। नहीं नहीं सर ये चलने दो, आप जो बोल रहे मैं आपके पास सहमत हूँ, मैं एग्री कर गया, सही है, आप चलते रहिए डेली, कोई दिक्कत नहीं सर। मेरे पास उसके भी मटेरियल वगैरह पूरे रेडी हैं सर, बने हुए हैं चैप्टर वाइज की भी, परंतु चैप्टर वाइज में मैं इतना डिटेल घुस जाऊंगा सर कि टाइम चला जाएगा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा अपने पर, टाइम है नहीं सर। सही है सर, हाँ जी हाँ, मतलब आप समझिए सर, बाइनोमियल थ्योरम मेरा 18 दिन का है, चैप्टर वाइज अगर मैं घुसूंगा बिल्कुल सर, हाँ वो बहुत वास्ट है सर, सही कह रहे हैं आप, तो 18-20 दिन का बाइनोमियल पढ़ाऊंगा तो बचेगा अपने पर टाइम, नहीं नहीं हाँ जी हाँ जी, सामने बच्चे कर लेंगे फिर, ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलो भैया क्वेश्चन देखिए सर, हाँ जी बोलिए। क्या अगर कोई बुक नहीं पढ़ते 10 साल के पेपर अगर पूरा सॉल्व कर लिया जाए, हाँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, बहुत अच्छा है सर, बहुत सर बहुत अच्छा सर, हुआ डिपेंड्स सर, डिपेंड्स करता है आपके कॉन्सेप्ट कैसे हैं। नहीं जैसे आप पेपर सॉल्व करेंगे तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। बहुत से बच्चे तो मेरे प्यारे भाई ऐसे भी लगे हुए हैं जो मैं देख रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ ग्रुप में, टेलीग्राम में, या सर के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो बेचारों ने अभी उन्हें लिमिट में या किसी भी टॉपिक में बहुत कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हम सीधा क्वेश्चन उठा रहे हैं उससे यूथ से। सर मैं आपको बताऊं, पिछली बार 2-3 लड़कियां ऐसी सेलेक्ट हुई, हाँ, कि हम लोग को ताना देते हैं कि तुम लोग जाओगे बहुत बड़े मैथमेटिक्स से, मतलब 125 क्वेश्चन पूरा देख के मारना है सर। मैं आपको बता दूं, सब यूथ वही पढ़ के गई थी, उसी में मार के हो गई सिलेक्शन टीजीटी में उनका नहीं होगा सर, जो बहुत बड़े ज्ञाता प्रख्याता है, मैं आपको पहले बता दूं, ये मैंने पहली क्लास में बोला था जी सर। सर विषय ज्ञान होना अलग बात है और सिलेक्शन लेना एक अलग बात है जी सर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है ना सर। ये जो कंपटीशन होता है सर, ये T20 मैच के जैसे होता है बिल्कुल, इसमें ये मायने नहीं करता कि आपके अंदर क्रिकेट खेलने का स्किल कितना है, उसमें ये होता है बॉल जो है बल्ला में लग बस जाए, आंसर आ जाए बस। तो सर कॉम्पिटिशन एक अलग चीज़ है और विद्वता एक अलग चीज़ है, विद्वता बताने के अवसर तो जिंदगी में शायद मिले ही नहीं पाते हैं। सही बात है जी, सही बात है आपकी, क्योंकि ज्ञान का भंडार तो भाई जितना पढ़ते जाएंगे उतना होता जाएगा। अरे वो डायरेक्ट कहे कि आप लोग जाते हैं 125 क्वेश्चन देखते, मुझे 125 साल का भाई, नीरज भाई दिल पे मत ना लो किसी लड़की की बात, ठीक है ना, उन्होंने क्या कहा इग्नोर मारो आप। वो हम लोग का ना क्या हुआ कि ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभी होता है ना, जैसे पूरा आता है पूरा करेंगे, यही चक्कर जो आ रहा है उसको पहले करिए तब कॉम्पिटिशन, सबने कहा ना T20 क्रम है, कोई नहीं है, अपना अपना अपन दे रहे हैं, जितना दे सकते हैं उतना देंगे। वैल्यू ऑफ लॉग माइनस थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग माइनस थ्री, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो लॉग माइनस थ्री है तो इसको लिखेंगे लॉग ऑफ माइनस थ्री प्लस जीरो आई, और अभी मैंने बताया था कि लॉगरिथमिक में क्या होता है भैया, लॉग जेड बराबर होता है लॉग ऑफ आर प्लस आई आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी थीटा, ये होता है, तो इसका कितना हो जाएगा लॉग ऑफ आर, लॉग ऑफ आर तो इसका 3 ही आएगा, क्योंकि भैया इसका 3 ही आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का प्लस आई। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस 3 कहाँ बैठेगा, इस तरफ बैठेगा, तो मतलब जो इसका आर्गुमेंट बनेगा कितना बनेगा, पाई बनेगा, तो आंसर आएगा आई पाई या आई माइनस पाई, तो इसका आंसर इस तरीके से आएगा, तो लिख लीजिए लॉग जेड इक्वल टू लॉग 3 प्लस पाई आई। चलिए ये हो गया एक सवाल। अगला सवाल देखते हैं, देखिए 2018 जेई मेंस का क्वेश्चन आया है अगला, मैंने इसको ग्रुप में भी डाला था, कुछ लोगों ने किया भी, पूछा भी कुछ लोगों ने सर कैसे होगा, अब यहाँ पर बता रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बता दूँ, एक बहुत बढ़िया ये प्रॉपर्टी हुआ करती है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है, और इससे बड़े बड़े महाविकराल क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इससे बड़े बड़े जिन क्वेश्चनों के हमको सोचा नहीं होता है वो क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं, तो ये ट्रिक जो है भैया इतनी गजब की ट्रिक है, और इसको करने के पहले केवल आप एक चीज़ ध्यान रखा करिए कि क्या दो लोग जो जुड़ रहे हैं, क्या दो लोग वहीं पर आसपास कहीं मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
अगर ये चीज़ बस दिख जाए कि दो लोग जुड़ रहे हैं वही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पक्का ये ट्रिक लगने वाली होती है। मतलब यदि मान लीजिए दो नंबर हैं ए और बी, तो ए प्लस बी बाई टू ऑलवेज ग्रेटर देन जी एम कितना होता है, अंडर रूट ए बी, यानी ए प्लस बी ऑलवेज अंडर रूट क्या, टू ए बी। हाँ, ये वाली ट्रिक बड़ी गजब ट्रिक है। आइए इस ट्रिक पर देखिए, आईआईटी जेई का क्वेश्चन, जेई मेंस का 2018 का क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ने क्या कहा भैया कि एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, एंड जी एक्स इक्वल टू है एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो जब दिया गया है और साथ में एक्स बिलोंग्स टू डोमेन दिया गया है, आर माइनस तीन वैल्यू नहीं लीजिए, माइनस वन जीरो प्लस वन, ये तीन वैल्यू आर लेने को मना कर दिया कि माइनस वन जीरो प्लस वन, और एक नया फंक्शन डिजाइन किया एच एक्स, और एच एक्स का नाम दे दिया एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये दे दिया एच एक्स का मान। तो कह रहा है कि भैया एच एक्स का स्थानीय न्यूनतम मान क्या होगा, एच एक्स का स्थानीय यानी लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट दे नहीं सकता, पूरी रेंज पता नहीं है, स्थानीय न्यूनतम मान, क्योंकि डोमेन हमको दी गई है क्या, आर, खुली ओपन डोमेन है पूरा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और तीन पॉइंट को नकार दिया है, जीरो को नकार दिया है, माइनस वन को नकार दिया है, प्लस वन को नकार दिया, बाकी ये डोमेन है, ये डोमेन है, ये डोमेन है, ये डोमेन है, तो बहुत बड़ा डोमेन है। इसमें हमको स्थानीय न्यूनतम मान बताना है एच एक्स का, एफ एक्स अपॉन जी एक्स का। तो एफ एक्स क्या भैया अपने पास, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, जी एक्स क्या है, एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो सबसे पहले हम एच एक्स बनाते हैं, एच एक्स इक्वल टू बोला है भैया एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो एफ एक्स का मान है भैया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और जी एक्स का मान है अपने पास कितना, एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो देखिए ध्यान से, इसको यदि मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और कितना माइनस टू कर दूँ, टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, मतलब हिसाब किताब बराबर माइनस टू और जोड़ने प्लस टू, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वन बाई एक्स। तो इससे क्या बनेगा, ये बन जाएगा एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का टू और नीचे x माइनस वन बाई एक्स। बताइए मित्रों, हाँ या ना, होगा ना, एच एक्स इक्वल टू, क्यों भैया नहीं होगा क्या, बोल क्यों नहीं रहे हो, बोल तो दिया करो भाई। हाँ बिल्कुल होगा भैया, यस। तो देखिए सर, आंसर भी लिख दिया भैया किशोर आई आई टी पॉइंट ने, x इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, तो x माइनस वन बाई एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन बाई एक्स, ये देखिए ये आ गया, ओके, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन बाई एक्स, ये हमारे पास है। अब ध्यान से देखिए, जो हमें एच एक्स की वैल्यू चाहिए है, एच एक्स हमारे पास इतना आ चुका है। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है, क्या उस प्रॉपर्टी को हम लगा सकते हैं, ए एम और जी एम वाली प्रॉपर्टी को, ये हमारे पास दो फंक्शन बन रहे हैं। अब यदि इन दोनों फंक्शन में हम प्रॉपर्टी लगाएं, तो देखो इससे ये कैंसिल हो रहा है। तो हम अब यदि प्रॉपर्टी लगाते हैं कि हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, तो एक फंक्शन अपने पास क्या है, एक्स माइनस वन बाई एक्स, और दूसरा क्या है, टू अपॉन एक्स माइनस वन बाई एक्स, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम, मतलब अंडर रूट एक्स माइनस वन बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई टू अपॉन एक्स माइनस वन बाई एक्स, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। ये क्या था भाई साहब अपने पास, एच एक्स था, और एच एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट टू, मतलब इसकी जो लोकल मिनिमम वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, लोकल मिनिमम वैल्यू इक्वल टू अंडर रूट टू। नोट करिए सर जी, इसका टू मिसिंग हो गया गुरु जी, इसका टू मिसिंग है, प्लीज एक बार देख लीजिए, टू मिस हो गया है, यस यहाँ पे टू लिखना था, बिल्कुल सही, टू रूट टू, हाँ टू आता है ना यहाँ पे, बिल्कुल सही है, ए एम होता है तो अपॉन में टू आएगा, कूद करके टू ऊपर चला जाएगा, टू रूट टू, बिल्कुल सही, टू मिस हो गया था। चलिए डन सर, एक बात पूछना था, बताइए सर, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाते होंगे आपको, आप भी पढ़ाते होंगे, तो आरएस की बुक पढ़ते होंगे, आरडी शर्मा की बुक पढ़ते हो, तो इससे मोस्टली जो कॉन्सेप्ट होता है, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है जब जैसा ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है, और इंक्रीजिंग होता है जब जैसा ग्रेटर देन जीरो होता है, आरडी शर्मा तो सिर्फ ग्रेटर देन लेके चला है, उसने ग्रेटर इक्वल जीरो कहीं नहीं। देखिए सर, दो चीजें होती हैं, हम आपको बता देते हैं, एक शब्द आता है, एक शब्द आता strictly. है स्ट्रिक्टली, और एक आता है सिंपल, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब जिसका हर पॉइंट कहेगा कि बढ़े चलो, बढ़े चलो, समझ गए,
जी, मतलब जैसे ये देखो यहाँ पर स्लोप क्या है, इक्वल जीरो का है, बोलो हाँ। जी, मतलब यहाँ पर फंक्शन ने क्या मारा है, रेस्ट मारा है, बोलो हाँ या ना। जी, तो अगर आप इस पॉइंट को इंक्लूड कर लो और नंबर लाइन में ये पॉइंट अगर इंक्लूड है ए है, तो अगर आप क्लोज इंटरवल ए से यहाँ तक की बात कर लो बी की, तो इस पॉइंट की यदि बात कर लो तो यहाँ पर ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, क्या है ये, इंक्रीजिंग है। यदि इस पॉइंट को आप निकाल दो, मतलब आप इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर रहे, बोलो हाँ। इस पॉइंट को बी को, ए को, ए को, ए को निकाल दो, तो आपने क्या कर लिया, ए को निकाल दिया, तो अब ये फंक्शन क्या बन जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब इस वाले में क्या था, कंडीशन क्या थी, एफ डैश एक्स ग्रेटर भी था और इक्वल भी था, मगर इसको अब आपने निकाल दिया, मतलब ये रेस्ट वाली सिचुएशन आपने बाहर कर दी, बोलो हाँ। तो केवल क्या आएगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है सर, नहीं नहीं ये कहने का मतलब आप बताए ठीक है, लेकिन जैसे आर एस में तो यूज किया है, लेकिन आर डी सर में सिर्फ आप कभी देखेंगे टाइम मिलेगा, उसमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो लेके चला है हमेशा के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग के लिए दोनों के लिए लेके चला। हाँ तो चलना ही पड़ेगा ना स्ट्रिक्टली के लिए, चलना ही तो पड़ेगा सर। मैं बोल दूं सर, नीरज सर, जो आर डी सर में आप जेई की बात कर रहे हैं क्या, जेई वाली की? नहीं नहीं मैं क्लास 12th में पढ़ाता हूं, क्लास 12th। हां असल में क्या ना देखो, वो जो लिखी गई है ना वो जेई के रेस्पेक्ट में लिखी गई है, जेई में कुछ चीजें बहुत टिपिकल लैंग्वेज यूज करी है भाई, तो वो स्ट्रिक्टली बोलेगा ही नहीं, कहीं तो बोल देता कहीं बोलता नहीं है, तो वहाँ पे वो अंडरस्टूड है कि वो मोर देन या लेस देन पे काम करेगा, वहाँ पे इक्वल साइन अगर देगा तो कुछ और वर्ड यूज करता है वो। इसीलिए तो आप, हम तो सर एनसीईआरटी का कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, जो कंसेप्ट एनसीईआरटी में दिया गया है। नहीं नहीं हम बच्चों को पढ़ाते जरूर है, लेकिन जब आरडी समय में जाते हैं उससे सारी सिचुएशन हल हो जाती है। एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ट है सर, कि अगर इक्को है उसमें अगर एवरीवेयर ग्रेटर देन जीरो है तो स्ट्रिक्टली होता है सर, है ना। उन्होंने ग्राफ भी बना करके दिया, बहुत अच्छा एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, एक ग्राफ ऐसा बना करके दिया सर, इस तरीके का ग्राफ बना के दिया है, चार ग्राफ बनाया है उन्होंने, चार इस तरीके के ग्राफ बनाया है। तो सर इन सिचुएशन में देखिए सर, ग्राफ के नेचर का एनालिसिस हो नहीं पाता यहाँ से यहाँ पर, तो इसमें ये ग्राफ को अपन इंक्रीजिंग ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन पोजीशन पे अपन को ये बता नहीं सकते हैं कि इन पोजीशन पे ग्राफ का नेचर क्या है, है ना सर। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बंधु ने आज ग्रुप में क्वेश्चन पूछा कि भैया एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स का नेचर कैसा होगा, वन वन होगा, ऑन टू होगा, वन वन ऑन टू होगा, किस टाइप से होगा, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स जो होगा। हाँ ये सर अब देखिए सर, इसकी आप जो डोमेन है one, one तो इसका डोमेन तो सर आर माइनस जीरो होगा, है ना सर। तो यदि इसका देखिए सर ग्राफ देख लीजिए, तो ग्राफ इस तरीके से जाता है और इसका ग्राफ इस तरीके से जाता है, तो मतलब x की हर वैल्यू लेगा, अपने डोमेन का हर पॉइंट लेगा और बदले में आपको आउटपुट भी देगा, तो कैसा हो गया सर, वन वन, क्या हो गया, वन वन, ठीक है ना। मगर आउटपुट में सर, आउटपुट में इसके r में जीरो नहीं आएगा, क्योंकि आउटपुट में जीरो लाने के लिए वन अपॉन एक्स की जगह इन्फिनिटी रखना पड़ेगा, और इन्फिनिटी हम इसको दे नहीं सकते हैं, तो ये ऑन टू नहीं होगा, इसका मतलब ये इन टू होगा, कैसा होगा, इन टू, इन टू। हाँ ठीक है सर, तो ये इस तरीके से एक तो ग्राफिकल अप्रोच हो गई इसकी, दूसरा अप्रोच किस क्या है भैया इसका, जैसे आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स है, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए कुछ भी कर लो, एक्स इक्वल टू जीरो को छोड़ करके, और वो तो लेना भी नहीं है अपन को जीरो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तो जीरो को छोड़ करके बाकी एवरीवेयर पॉइंट पर ये क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव। सर ये कोई रूल होता है क्या? हाँ भैया होता है ना, ये पहचानने का रूल होता है, मतलब ये फंक्शन कैसा है, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, अगर नेगेटिव आ गया मतलब ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वही सर, इसको बोलता हूँ मैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो ये हर चीज़ पर आपको डिक्रीज शो करेगा, और जो चीज़ मोनोटोनिकली इंक्रीज होती है या मोनोटोनिकली डिक्रीज होती है, वो हमेशा आपको एक पिन इनपुट पे एक आउटपुट देती है। जैसे देखो ये इनपुट है और ये आउटपुट है, तो जो चीज़ मोनोटोनिक इंक्रीज करती है, मोनोटोनिक डिक्रीज करती है, वो कभी एक इनपुट पर दो आउटपुट दे ही नहीं सकती है, इसलिए ये फंक्शन कैसा होगा, वन वन होगा।
तो ये वन वन देखने के लिए अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है सर। हाँ, अरे क्वेश्चन और मेरा। हाँ, एक फंक्शन दिया या फिर मेजर टू आर और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इक्वल टू कितना है सर? एक्स प्लस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक है। ये सर फंक्शन क्या है, बाइसेक्टिव है कि नहीं? सर देखिए, इसके दो आएंगे, एक अंडर रूट एक्स स्क्वायर दो वैल्यू में सॉल्व होगा, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर होता है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। नहीं सर, 2x लिखेंगे कल सिचुएशन बनेगी सर। देखिए सर, इसको करना पड़ेगा, जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर होता है सर, वो दो सिचुएशन पे ब्रेक होगा, बाइसेक्टिव प्लस एक्स और एक माइनस एक्स, ठीक है ना सर। तो एक आपका अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो पे जाएगा, अगर अंदर की चीज़ एक्स ग्रेटर देन जीरो पे जाएगी, ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो पे जाएगी तो ये आपको 2x हो जाएगा, 2x आएगा, ठीक है ना। और अगर एक्स लेस देन फंक्शन एक्स लेस देन जीरो पाएगी तो क्या आएगा सर? जीरो आ जाएगा, बोलो। हाँ यस सर। चलिए अब ये आ चुका है, अब आपको। हाँ सर बोलिए सर। हाँ सर सही आ गया। सर एक्स लेस देन जीरो हो गई ना, तो एक्स लेस देन जीरो पे यदि आ गया ये, तो एक्स लेस देन जीरो पे ये टूट जाएगा सर, कितने पे? माइनस एक्स पे आया ना सर। और माइनस जब एक्स लेस देन जीरो रखेंगे, हमारे जो कोई वैल्यू, अगर एक्स लेस देन जीरो पे कोई वैल्यू, लेकिन से माइनस वन ले लिया। हाँ ठीक है सर, चलिए। तो सर एक्स लेस देन जीरो पे सर माइनस एक्स पे टूट जाएगा मॉड एक्स, तो सर मॉड एक्स माइनस एक्स पे गया तो जीरो हो जाएगा। अब इसका ग्राफ बना लो सर, आप इसका ग्राफ बनाइए। तो देखिए लेस देन जीरो पर एवरीवेयर आपको जीरो दे रहा है, बोलो। हाँ सर ठीक है ना। और इसके बाद ये सीधे 2x चला गया स्ट्रेट लाइन। तो कैसा है सर ये? 1-1 तो है नहीं सर, ये 1-1 नहीं है। देखो सर, सारे यहाँ पे इनपुट कुछ भी दे दो तो ये कैसा फंक्शन है? अगर टोटल फंक्शन देखा जाए सर, तो ये मैनी वन है, ठीक है ना, मैनी वन है। और कैसा है सर? इनटू है, नोट करिए, मैनी वन इनटू। सर समझ में आया नहीं है? यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैनी वन कैसे बताया? देखिए एक्स की आप कोई भी वैल्यू दे दो इसको, एक्स की कोई वैल्यू दे दो सर, आंसर क्या आ रहा? नेगेटिव में जीरो आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो। वाई का माइनस फाइव माइनस फोर कुछ भी दे दो, बोलो आंसर कितना है सर? जीरो। तो ये क्या हो गया? मैनी वन हुआ कि नहीं हुआ? और ऑन टू इसलिए नहीं जा सकता है सर, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू रूट के अंदर आ ही नहीं सकती बाहर छोड़ करके। हाँ यहाँ, हाँ क्योंकि रूट के अंदर बैठा, नेगेटिव आंसर जा ही नहीं सकता है सर किसी हालत में उसका। क्लियर है सर? हाँ। तो भैया तो इसका नेगेटिव आंसर इसका जा ही नहीं सकता सर, इसका नेगेटिव आंसर इसका जा ही नहीं सकता। एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए 2x हो रहा है और नेगेटिव आंसर इसका जा ही नहीं रहा, इसलिए सर ये मैनी वन ऑन टू होगा। चलिए सर, आज का लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लास को ओवर कर देंगे। आज का क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन। समीकरण जेड क्यूब प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो के हलों की संख्या बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेड क्यूब प्लस जेड बार इक्वल टू जीरो के हलों की संख्या बताओ। जब ये क्वेश्चन आता है तो सब लोग ये सोचते हैं कि भैया एक्स और वाई रख दो और एक्स प्लस आई वाई रख के करो और उसमें घूम जाते हैं, तो ये क्वेश्चन सीधे तरीके से नहीं होता, ये क्वेश्चन टेढ़े तरीके से होता है। कैसे होता है देखो भैया, जेड क्यूब इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का जेड बार हो गया। जेड क्यूब इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का जेड बार, ठीक है ना। अब आप क्या ले लीजिए? इसका मॉड ले लीजिए, तो मॉड ऑफ जेड क्यूब इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस का जेड बार। अब देखिए मॉड ऑफ माइनस का जेड बार, अब चाहे आप माइनस जेड बार ले लो तो भी कितना आएगा? मॉड ऑफ जेड बार, क्योंकि नेगेटिव का मॉड पॉजिटिव हो जाता है। ओके, और जेड का बार और मॉड ऑफ जेड दोनों क्या होता है? बराबर। चाहे मतलब कुछ भी ले लो यार, एक्स प्लस आई वाई ले लो, एक्स माइनस आई वाई ले लो, माइनस एक्स प्लस आई वाई ले लो और माइनस एक्स माइनस आई वाई ले लो, चारों क्वाड्रेंट में कुछ भी ले लो, मॉड हमेशा क्या आना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ आना है कि नहीं आना, बोलो।
तो भैया यहाँ पर जो अपने पास में जी सर या अपने पास में जो है अपने पास में जेड क्यूब है, इसका जो मॉड आएगा माइनस मॉड जेड, इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ जेड क्यूब इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, ये हो गया। अब इसको इधर लेकर के आओ तो मॉड ऑफ जेड क्यूब माइनस मॉड ऑफ जेड इक्वल टू कितना बन गया जीरो। यहाँ से मॉड ऑफ जेड कॉमन ले लिया तो कितना बन गया मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो एक सोल्यूशन तो ये दे देगा अपन को कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू जीरो। तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू जीरो का मतलब कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका जेड जीरो हो, मतलब जेड इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आई। तो एक अपने पास कॉम्प्लेक्स ओरिजिन आ गया, ओरिजिन बिल्कुल सही। और दूसरा मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, मतलब मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू कितना वन। अब ध्यान से सुनना, हाँ ये सर्कल बनेगा मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू वन है ना, बट मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू वन यानी जेड इंटू जेड बार, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू वन यानी जेड इंटू जेड बार इक्वल टू कितना आ गया वन आ गया, ठीक है। जेड इंटू जेड बार इक्वल टू वन, अब जेड इंटू जेड बार इक्वल टू वन है इसका मतलब जेड बार इक्वल टू आ गया वन बाई जेड, जेड बार इक्वल टू आ गया वन बाई जेड। अब देखिए जेड क्यूब प्लस जेड बार इक्वल टू है जीरो, तो जेड क्यूब प्लस वन बाई जेड इक्वल टू जीरो, जेड की पावर फोर प्लस वन इक्वल टू जीरो अपॉन में जेड, ओके जेड जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो जेड की पावर फोर प्लस वन इक्वल टू जीरो, जेड की पावर फोर इक्वल टू माइनस वन, जेड इक्वल टू माइनस वन की पावर वन बाई फोर। ये देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कितने रूट आपको मिलेंगे, चार मिलेंगे, चार चार हल, एक ओरिजिन और एक आपको ओरिजिन जीरो प्लस आई जीरो मिल चुका है, मतलब टोटल कितने हल हो गए पांच हल, नोट करिए इसके हो गए पांच हल। चलिए मित्रों तो आज की क्लास को अपन फिर यहीं पर विराम देते हैं, ठीक ना। आज अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, ठीक ना। 51 हाँ सर बोलिए, वीडियो डालेंगे ना? बिल्कुल सर, वीडियो डेली आ रहा है, आप देखते हैं वीडियो? नहीं, वीडियो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो मैं बिल्कुल डाल रहा हूँ, आधे घंटे में वीडियो लाइव